भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को रांची में कार्यकर्ताओं ने सुना। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि आगामी 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का संकल्प लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 44वां स्थापना दिवस है, हम इसको वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। और भारत के राजनीति में 6 अप्रैल 1980 को एक राजनीतिक दल का जन्म हुआ था जो समाज के हित के लिए, देश के हित में और अंत्योदय के सपनों को साकार करने में लगातार लगी हुई है। और इस अवसर पर लगातार पूरे प्रदेश में जहां स्वच्छता अभियान चल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में ध्वज फहराएंगे और ध्वज फहराने के बाद भारत माता का आत्मसात करते हुए समाज की सेवा का भी संकल्प लेंगे। इसलिए ऐसे अवसर पर हम सब लोगों को कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री जी का भी उद्बोधन मिलने वाला है और उनके उद्बोधन से एक नई प्रेरणा लेकर के हम समाज में और बेहतर कैसे काम करें इसका भी हम सब लोग संकल्प लेंगे। कांग्रेस की ओर से देश भर में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पोस्ट कार्ड लेखन करके प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। पोस्ट कार्ड में पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता और अडानी से जुड़े मामले को प्रमुखता दी है। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री से 5 सवाल हम लोग कर रहे हैं। विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि संसद में जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल किया था और उसका जवाब नहीं मिला और जिस प्रकार से सवाल पूछने पर जो कार्रवाई की गई और उसे पूरे हमारे कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं समय समय पे अभी जो विरोध में जो प्रोग्राम चल रहा है, मशाल जुलूस हो या पदयात्रा हो या सत्याग्रह कार्यक्रम हो, आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, अडानी जी को आपने कितना करोड़ ऋण दिया और अडानी जी को अपने बचाने के लिए आप क्यों जेपीसी का गठन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेपीसी का गठन इसके माध्यम से आप जो सवाल हम लोग करना चाहते हैं उससे जो लोकतंत्र की में जो सारी जनता है वो जानना चाह रही है। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा की ओर से रांची में आज धरना दिया गया। राजभवन के समीप धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि सरकार वित्तीय अनुदान वाले विद्यालयों को वित्तीय अनुदान देने पर रोक लगाना बंद करे। शिक्षकों का कहना है कि मांगों के समर्थन में उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सरकार 2005-6-6-7 वित्तीय वर्ष से झारखंड में वित्त रहित जितने भी इंटर कॉलेज हो, हाई स्कूल संस्कृत मदरसा को अनुदान देती थी, जो देती थी, जो नियमानुकूल देती थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 22-23 में वे विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके करीब 60% संस्थानों को अनुदान से वंचित कर दिया है। उसी को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। रांची में मारवाड़ी महिला मंच की ओर से आगामी 8 अप्रैल को पलाश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंच की ओर से बताया गया कि पलाश उत्सव में झारखंड समेत असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और बिहार समेत कई अन्य राज्यों से महिलाएं हिस्सा लेंगी। बहुत सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आज हमारे रांची में महिलाएं तो बहुत कम निकल के घर से आती हैं। मारवाड़ी महिलाएं वो आसाम से भी आ रही हैं, आपके वो राजस्थान से भी आ रही हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार सभी जगह से महिलाएं आ रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि आपके शहर में ऐसा नेतृत्व है कि जो इतनी बहनों को बुलाकर और उनके साथ सेवा के कार्यों में आगे जा रही है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ड्राई रहा है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 37.1 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है। और जो मुख्य शहरों के जो उच्चतम तापमान पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं, रांची में 32.8, जमशेदपुर में 37.1, डाल्टनगंज में 36.7, बोकारो में 36.1, चाईबासा में 36.8, देवघर में 35.9, गिरिडीह में 34 डिग्री, गढ़वा 35.8, रामगढ़ में 34.3, सिमडेगा में 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं आने वाले 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान की। तो 6 से लेकर 10 तारीख तक जो झारखंड में है मौसम शुष्क रहेगा। एक दिन 9 तारीख को थोड़ा संभावना है हल्का बारिश का,
खासकर दक्षिण पश्चिमी उससे सटा हुआ मध्य भाग का। बाकी 6, 7, 8 और 10 झारखंड मौसम शुष्क रहेगा। 9 तारीख बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बात करें तो मौसम की तो थोड़ा सा सेकेंड हाफ में आंशिक बादल झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे और अभी जो अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 10 तारीख के बाद से थोड़ा सा जो अधिकतम तापमान में उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और गर्मी आपको फिर से फील होने लगेगी। तो कुल मिला के यही सार है कि अभी अगले जो 3 दिन हैं 6, 7, 8 मौसम शुष्क ड्राई रहेगा। 9 तारीख को हल्की बारिश की संभावना है दक्षिण पश्चिमी और मध्य भाग में और 10 तारीख को भी मौसम शुष्क ही रहेगा और तापमान में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बड़ा बदलाव नहीं का मतलब होता है कि +-2 डिग्री के अंतर में जो तापमान का जो गैप है जो वेरिएशन है वो +-2 डिग्री के भीतर में रहेगा। तो 10 तारीख के बाद से फिर एक बार गर्मी का स्पेल देखने को मिल सकता है और उच्चतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।